की महोबा से कानपुर पहुंचाने वाली एक अकेली ट्रेन के बंद होने के चलते खास मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन सुविधा बंद होने के चलते जहां गरीब व्यापारियों को रोडवेज बस का सहारा लेना पड़ रहा है, तो वहीं महानगर पहुंचने के लिए अब उन्हें कई गुना किराया भी चुकाना पड़ रहा है। जनपद महोबा में 14 जनवरी तक कानपुर पैसेंजर सेवा ठप होने के चलते आम आदमी को खास परेशानी झेलनी पड़ रही है। तड़के सुबह चलने वाली इस रेल सेवा के बंद हो जाने के बाद आम आदमी बस का सफर करने को मजबूर हो चला है। लगभग एक दशक से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद दोहरीकरण के नाम पर इस सेवा को अभी हाल के लिए बंद कर दिया गया, जिसके चलते आम आदमी न सिर्फ बस का सफर करने को मजबूर है बल्कि उसकी जेब पर भी खास असर देखने को मिल रहा है। वो कानपुर पैसेंजर जो आती थी, कानपुर खजराव पैसेंजर, वो बंद कर दी गई, बंद कर दी गई है। और उसमें काफी सवारी आती थी, हम लोगों का भी भरनपुर चलता था, उससे वो नहीं आ रही है। उसमें यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस से किराया जा रहे, बस में किराया बहुत ज्यादा लग रहा है, चौगना किराया लग रहा है कम से कम। इसमें बहुत कम ना के बराबर किराया लगता था। इसमें सवारी को ज्यादा परेशानी हो रही, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही। मेरी ये मांग है, गाड़ी फिर चालू की। महोबा से कानपुर जाने वाली पैसेंजर जो रद्द की गई है, इससे यात्रियों के ऊपर किराए के रूप में बहुत बड़ा बोझ आ रहा है। यहाँ से लगभग 500 यात्री प्रतिदिन व्यापार के संदर्भ में कानपुर जाता था आता था, और रोडवेज का किराया इससे 5 गुना है, लेकिन रेलवे का किराया बहुत कम था। ये रेल बंद करना यात्रियों के हित में नहीं है। जी मुझे कल ही मालूम चला है, ये बंद जो ट्रेन हुई है ये बहुत ज्यादा समय के लिए बंद हुई है। इसमें हम लोग विरोध करेंगे। इसमें गरीब व्यापारी, हमारा जो बस में 180 रुपये 170 रुपये लगता है और ट्रेन में माप 3540 रुपये लगता है, इसमें गरीब आदमी की छनी है। इसमें हम लोग महाप्रबंधक को ज्ञापन देंगे और माननीय रेल मंत्री से हम लोग आज ज्ञापन देंगे, इसमें जल्द से जल्द ये ट्रेन चालू हो जाए। यहाँ 1000 लोग जाते हैं कानपुर लखनऊ, 1000 लोग जाते हैं कम से कम, व्यापारी लोग जाते हैं।